दीपावली के त्योहार पर आगजनी की घटनाओं से निपटने के लिए फायर कर्मियों द्वारा क्या क्या तैयारियां की गई, इसका जायजा लिया हमारी टीम ने और जाना कि किस किस तरह की तैयारियां की गई हैं फायर कर्मियों की तरफ से। और इस दौरान खास रिपोर्ट में फायर कर्मियों के अफसरों ने बताया कि दिवाली के त्योहार के ऊपर आग की घटनाओं को मुख्य रखते हुए हमारे सारे स्टाफ की छुट्टियाँ और रेस्ट बंद कर रखी है और एडिशनल स्टाफ भी जो है ड्राइवर वगैरह कॉरपोरेशन से लिए हैं। हमारे कमिश्नर साहब ने बहुत बड़ा इनिशिएटिव लेके हमको पूरी सहूलतें दे रखी है, हमको पूरी पावर दे रखी है कि सारा कुछ जो अपने लेवल पे इंतजाम किया जाए। तो हमने जो पानी का इंतजाम किया है, फायर स्टाफ का इंतजाम किया है, स्टाफ का इंतजाम किया है, गाड़ियाँ खड़े का इंतजाम करना है, तो हमारा जो स्टाफ पूरा तसल्ली बख्शा है इंतजाम। हाँ, चूँकि वो तो कम से कम समय में घटना स्थान पर गाड़ी पहुँचने के लिए जो है गाड़ी नज़दीक से ही बुलाई जाएगी, फिर भी अगर जगह की बड़ी आग लग जाए तो नेड़े के स्टेशनों से भी, जैसे जगराऊ है, खन्ना है, समराला है, वहाँ से भी गाड़ी मंगा लेते हैं। यहाँ लुधियाना में 5 स्टेशन है, 5 स्टेशन में 17 गाड़ियाँ काम कर रही है, तो इनके अलावा जो है समराला, जगराऊ एंड लुधियाना खन्ना में जो है 6 गाड़ियाँ, अगर ज़रूरत पड़े तो हम वो भी बुला लेते हैं। छोटे छोटे जो फायर टेंडर है हमारे पास हैं वो छोटी गलियों में जाते हैं, एक हमारे पास क्विक रिस्पॉन्स व्हीकल जीप है जो बहुत छोटी गलियों में भी चली जाती है। नहीं नहीं, हमारे पास यूनिफॉर्म जो है सबके पास है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब देखने वाली बात यह रहेगी कि क्या इस बार फायर डिपार्टमेंट की यह कोशिश कितनी लाभदायक सिद्ध साबित होती है। लुधियाना से कैमरामैन अमनदीप के साथ शिप्रा पसरीजा की खास रिपोर्ट।